जय भोलेनाथ दोस्तों। 9:31 PM 9:31 हुई है। ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी, आप सबको पता ही आज का। और मैं अपने व्यू पे बिल्कुल अडिक हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जितने भी यूट्यूबर मैक्सिमम आपको देखिए कैसे पलटी मारता है। वो वायरल वीडियोस आपने देखा था ना, उसका आप एक काम करिए, एक महीना का वीडियो देखिए उसकी झूठ। मैं उस दिन आपको उसकी ये कहता मैं सोचा कि यार चलो अच्छा है, कोई बात नहीं, छोड़ देते उसको। उसने मेरे बारे में कुछ लिखा था अपने कम्युनिटी में, एक नंबर का फ्रॉड है। कल आपको फुल तेजी बताया, बोला फुल तेजी, कल 10-500 भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ठीक है। आज आपको मंदी का व्यू, आप पहले देख लो उसको, वो बैंक निफ्टी पहले जब 17,000 चल रहा था तो वो बोल रहा है 16,000 चल आएगा, 14 आएगा। अब आपको टारगेट दिया था 22,000-23,000 का, अब आपको फिर से बोल रहा कि नीचे जाएगा। तो ये लोग है बिना पेंदे के लोटे, जिन्होंने SGX देख लिया, डाटा में देख लिया, बस अपना व्यू बदल दिया और सुबह बोलते नहीं मैंने टेलीग्राम में लिख दिया था। तो इस तरह के फ्रॉड लोग से थोड़ा सा बचिए दोस्तों, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ आज की डेट में, ठीक है। मैं आज आपको व्यू दिया 6 बजे कि भैया तेजी रहेगी कल, और मैंने रीज़न समझाया कि वो ब्रेकआउट को टेस्ट करने आया है। आप लोग ये डाउ जोन्स को देख के मत घबराइए, डाउ जोन्स जब अपना 200 EMA को क्रॉस कर दिया था तब हम 50 EMA पे भी नहीं पहुंचे थे। तो मार्केट को रीडिंग करना किसी को आना चाहिए, ठीक है। अब आ जाइए चार्ट पे, आपको समझाता हूँ मैंने क्यों ऐसा आज का वीडियो बनाया। उस समय कोई डाटा भी नहीं आया था और SGX आपके सामने उस समय 100 कितना, अभी तो SGX और गिर गया होगा। चलो देखते हैं, पहले SGX देख लेता हूँ। अब मैं आपको समझाऊंगा मैं तेजी अब क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। 9647 यानी कि 200 पॉइंट डाउन दिखा रहा है SGX, ठीक है। 205 पॉइंट्स आप नोट करते जाइए, 205 पॉइंट्स तो ये दिखा रहा है, एक्चुअली ये हुआ ये हो गया 250 पॉइंट्स, क्योंकि आज की क्लोजिंग है 9902। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 9:33 हुई है दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ें सिखाने वाला हूँ जो आपने कभी सुनी नहीं होगी, 9:33, ठीक है। और FII ने आज सेल किया है कैश मार्केट में भी और फ्यूचर मार्केट में भी, DIIs ने भी आज कैश मार्केट में सेल किया है। मैं आपको डाटा सारा, रुकिए मैं आपको डाटा से पहले डाटा बताता हूँ, जो कैश मार्केट और फ्यूचर मार्केट का जो डाटा आया आज पहले वो बताता हूँ। आज आपको इस वीडियो का अहमियत समझना पड़ेगा कि इस किस लेवल से स्टडी होती है, मतलब बिना पेंदे के लॉटरी नहीं होते कि उधर SGX देख लिया, उधर डाउ जोन्स देख लिया, अपना व्यू बदल दिया है ना। प्रमोद जैन कभी भी ऐसा, स्टॉप लॉस हो सकता है मेरा लेकिन मैं अपने अपना व्यू जीवन में बदलता नहीं हूँ, इसीलिए प्रमोद जैन की इज्जत है। तो दोस्तों FII ने आज कैश मार्केट में 805 करोड़ की सेलिंग की है, आप लोग नोट कर सकते हो। FII ने 805.14 करोड़ की सेलिंग की है कैश मार्केट में। DIIs ने उसके साथ दिया है 874.35 करोड़ की सेलिंग की है। इंडेक्स फ्यूचर में FII ने 923 करोड़ की सेलिंग की है, ये मैं आपको डाटा बता रहा हूँ। और इंडेक्स ऑप्शन में FII ने 2080 करोड़ की बाइंग की है। स्टॉक फ्यूचर्स में FII ने आज 798 करोड़ की सेलिंग की है। स्टॉक ऑप्शन में FII ने 23.95 करोड़ की बाइंग की है। ये मेरे पास एक स्टॉक एज करके ऐप है, उस पर आता है स्टॉक एज, STOCKEDGE, आप भी लगा सकते हो मोबाइल पे, तो इसमें ज़्यादा कुछ दिखना नहीं पड़ता। तो मैंने आपको फिर से रिपीट करता हूँ, कैश मार्केट में FII ने 805 करोड़, DIIs ने 874 करोड़, इंडेक्स फ्यूचर में FII ने 923 करोड़ की सेलिंग की है। इंडेक्स ऑप्शन में खाली बाइंग की है 2080 करोड़ की। इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर में 798 करोड़ की सेलिंग की है FII ने, स्टॉक ऑप्शन में 23 करोड़ की। तो इंटायर डाटा सेलिंग का है, FII का, DIIs का, सबका, ठीक है, कैश का भी है, फ्यूचर का भी। SGX आपके सामने 250 पॉइंट डाउन है क्योंकि हमारा 9902 पे क्लोजिंग हुआ। अब आ जाते हैं डाउ जोन्स फ्यूचर कितना डाउन है वो भी देख लेते हैं इस समय, फिर आपको दिखाऊंगा कि एनालिसिस में दम होता कि नहीं, फेल होना और पास होना अलग बात है। लेकिन लोगों को उल्लू नहीं बनाते हम लोग। 1168 पॉइंट्स मतलब लगभग 1200 पॉइंट डाउन है डाउ जोन्स।
जब मैंने आप लोग को कल का व्यू वाला वीडियो बनाया तब उस समय 870 था, अब 1200 है, ठीक है, ये भी आप सुन लिया आपने। अब आ जाइए, मैं अपने चार्ट से आपको प्रूफ करता हूँ कि ये सारी बातें रॉन्ग हो सकती है। हाँ, कब मैं रॉन्ग हो जाऊँगा वो भी बताता हूँ आपको। जिस दिन ये मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ वही बात जो मैंने उसमें बताई थी, 5 तारीख फ्राइडे था, लास्ट फ्राइडे अपना 5 तारीख को था, उस दिन मार्केट 10142 पे क्लोज किया और उसके बाद मुझे नींद आ गई थी, आपको याद है, और मैं 10 बजे जागा था, तब मुझे याद आया कि मैंने आप लोग का वीडियो नहीं बनाया आज का, 10 साढ़े 10 बजे मुझे नींद खुली थी, आप लोग को बताया था मेरी तबीयत ख़राब थी या कुछ थी, तो मुझे नींद आ गई थी अचानक और मैं दिन में ही सो गया था आफ्टर मार्केट जो भी खाना खा के, और 10:30 बजे नींद खुली। तो मैंने 10:40 पर आपको वीडियो बनाया, उसमें मैंने वीकली चार्ट में प्रूफ किया कि वीकली चार्ट में गैप है और ये गैप मेंटेन रहेगा, लेकिन इसको ब्रेकआउट को टेस्ट करना पड़ेगा। चलिए वो वीकली चार्ट भी आपको दोबारा दिखाता हूँ, पहले तो पूरी बात मैं स्टोरी से समझा रहा हूँ आपको। तो अभी आपको मैंने डाटा 1200 पॉइंट डाउ जोन्स और 250 पॉइंट निफ्टी डाउन है, ये सब दिखा दिया। अब आता हूँ निफ्टी का वीकली चार्ट का डाटा, ठीक है, वीकली चार्ट में आपके सामने खोल देता हूँ, ये निफ्टी का वीकली चार्ट है, ठीक है। ये फ्राइडे को मैंने आपको ये चार्ट दिखाया था, फ्राइडे को ये वाली कैंडल बुलिश कैंडल बनी थी, ठीक है, और ये इस वीक की कैंडल है, इस वीक में इसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवरिंग, इस टाइप के फॉर्मेट को क्या बोलते हैं, डार्क क्लाउड कवरिंग। ऊपर से जो रेड कैंडल आती है, प्रीवियस कैंडल के ऊपर से जो रेड कैंडल आती है इस कैंडल को ढक लेती है लगभग, तो इसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवरिंग, अभी तक का जो बना है, लेकिन कल ये शेप चेंज भी हो सकता है। चलिए इसको मैं और अच्छे से बना देता हूँ, इसको 2 इयर्स करता हूँ तो क्लियर दिखेगा। तो पिछले वीक फ्राइडे को हम लोग 10142 पे क्लोज हुए थे, आपको याद होगा, मैंने इस कैंडल को देख के चैलेंज किया था कि ये गैप से हुआ है, क्योंकि उसके पिछले वीक की क्लोजिंग थी, हाई था 9598 उसके पिछले वीक के, और इसके और लास्ट फ्राइडे को मार्केट ने क्लोज किया 10142 और हाई बनाया 10177 जो कि फ्राइडे के दिन वीकली हाई बना, और इसने गैप भी छोड़ दिया कैंडल में, वीकली में भी एक गैप छोड़ दिया, ये बहुत बड़ी बात है। गिरते वक्त भी इसने एक गैप छोड़ा है, ठीक है, गिरते वक्त जो गैप छोड़ा उसने, ये मार्च की 2 तारीख वाली वीक से जो अगली बार इसने कैंडल बनाया, इसका लो था 10827 और इसका हाई था, तो मार्केट कहीं ना कहीं मैं आपको बता रहा हूँ एक बार 10800 तक भी जाएगा, ऐसा मुझे लगता है इस वीक, क्योंकि अब जो इसने बढ़ते वक्त एक गैप बना दिया, गिरते वक्त इसका गैप था तो इसको अभी तक फिलअप नहीं किया, लेकिन बढ़ते वक्त भी इसने एक गैप छोड़ दिया है। अब या तो मार्केट को अगर गिरना है तो उसको इस गैप को फिलअप करना पड़ेगा, कौन सा, जो पिछले वीक में इसने छोड़ दिया, और ऐसा गैप बहुत जल्दी फिलअप नहीं होता मेरा जहाँ तक मानना है, जो 3-4 दिन टिक जाता है वो गैप बहुत जल्दी फिलअप नहीं होता, उसको एक राउंड लगता है लगभग महीना, ठीक है। तो ये अगर फिलअप होता तो मार्केट में बड़ी कमजोरी है, ये फिलअप कब होगा, जब मार्केट 9598 आ जाएगा, लिख लीजिए आप लोग 9598 आ जाएगा, जो कि 26 तारीख वाली वीक थी ना उसका, 26 तारीख से वो वीक कितने दिन तक चली थी, 29 5 का क्लोजिंग है, 29 मई का क्लोजिंग है 9598 हाई 29 मई वाली वीक का जो फ्राइडे था, उस वीक में 9598 का हाई था, लेकिन अगली वीक में लो कितना बना है 9706। तो आप लोग 2 पॉइंट मैंने लिख लो, कल कितनी भी बड़ी मंदी खुले मुझे कोई दिक्कत नहीं है, खाली बस इतना ध्यान रखिएगा कल 9706 नहीं टूटना चाहिए, 9706 नहीं टूटना चाहिए, भले कल बहुत बड़ी तेज़ी नहीं हो, लेकिन कल 9706 नहीं टूटना चाहिए, क्यों, क्योंकि गैप करने के बाद जो इसने लो बनाया था वो 9706, और अगर 9760 टूटा तो फिर 9598
आना चाहिए, वरना अगर वो भी नहीं आता है तो भी तेजी आगे, ये टूट भी जाए उसके बावजूद अगर 9598 नहीं आए तो भी मार्केट में तेजी है, याद रखिएगा, क्योंकि तो फिर भी गैप बरकरार ही रहेगा। फिर नियम से तो ये गैप का सिस्टम यही होता कि इसके अगले दिन का जो है लो बनाया उसको नहीं तोड़ना चाहिए, तब ये गैप मेंटेन रहेगा। और अगले दिन का लो था 9706, ठीक है, तो 9706 पहला कल बहुत बड़ा सपोर्ट है निफ्टी के लिए, वो टूटा तो मैं कमजोरी का पहला कील ठुक गई ये मानूंगा, कमजोरी की पहली कील निफ्टी पे ठुक गई अगर 9706 कल टूटा तो। और अगर नहीं टूटता है तो मैं बिंदास तेजी करूंगा, आपको दोस्तों बोल रहा हूँ, और मेरा पहला टारगेट है 10,400। कितना है पहला टारगेट, कितना है, भले नेक्स्ट वीक में मंडे को आए, ट्यूसडे को आए, थर्सडे को आए, या कल ही आ जाए, ठीक है, 10,400 मेरा पहला टारगेट है, 10,500 मेरा दूसरा टारगेट है, और इसके बाद मैं चार्ट को देख के बताऊंगा आगे के टारगेट्स, ठीक है। आगे मैं मंदी भी कर सकता हूँ क्योंकि मुझे इसके ऊपर की तेजी नहीं लग रही है, यहाँ से मैं करेक्शन मानता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया वीकली चार्ट, अब मैं डेली चार्ट पे आता हूँ। तो ये मैंने आपको एक रीज़न समझाया कि कल फिर भी मंदी नहीं आई है, अभी आपको लोग मंदी बताएंगे, और मैं और एक रीज़न अभी समझाऊंगा आपको, ये डिटेल हमारी स्टडी है, एनालिसिस, इसमें अभी मैं व्यू नहीं दे रहा हूँ आपको, खाली समझा रहा हूँ क्यों नहीं आना। अब देखो आप मार्केट को, मार्केट ने एक नया टॉप बनाया था 10,328 इसी सोमवार को, इसी वीक के, और लेकिन उस दिन मैंने चैलेंज किया था कि इसको इसी वीक में 9,900 छूना पड़ेगा। क्यों चैलेंज किया था, क्योंकि ये ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने कभी भी इसको टेस्ट नहीं किया, ये कितने कैंडल के बाद एक ब्रेकआउट आया, इसको तोड़ा गया, देखिए ये हाई था 30/4 का, 30 अप्रैल का, 30 अप्रैल का जो हाई था ये वाला 9889, ये कब टूटा मालूम आपको, 30 अप्रैल के बाद कब टूटा ये, 1ली बार कब टूटा ये, टूटा इस तारीख को, 1 जून को टूटा, 30 अप्रैल का बना हुआ हाई 1 जून को टूटा, तो 1 जून को ब्रेकआउट आया मार्केट में, क्योंकि ये 30 अप्रैल का हाई को तोड़ के इसने नया हाई बनाया, कितना बनाया 9931 का, पहले हाई कितना था 9889, जो कि 30 अप्रैल का हाई था, 1 जून को मार्केट ने नया हाई बनाया, उसके बाद आप देखो मार्केट ने वापस कभी भी इसको रिटेस्ट नहीं किया, ठीक है, ये 2 जून को इसने, और 2 जून को इसने 9825 का लो बनाया, कहीं ना कहीं इसको आप रिटेस्ट मान सकते हो, लेकिन कंफर्मेशन तभी मिलती है जब एक रैली के बाद वापस ब्रेकआउट टेस्ट करता है। तो आज पहली बार इसने 9885 का लो बनाया, तो ये कहीं ना कहीं एक टेस्ट ऑफ ब्रेकआउट है जो ब्रेकआउट हुआ है। अब मार्केट वीकनेस कब होगा, जब अगर कल मार्केट 9889 के नीचे क्लोज करे, कल ओपन कितना होता है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, फर्स्ट वीकनेस कब देखा जाएगा, फर्स्ट वीकनेस साइन आपको मैं एक एक साइन बता दूं, इफ निफ्टी स्पॉट, अभी भले ही अभी 9700 चल रहा हो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मैं SGX ये सब को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ, इफ निफ्टी स्पॉट क्लोजेस बिलो 9889, इसके नीचे क्लोज होगा कल तो पहला साइन होगा, सेकेंड साइन कब होगा, सेकेंड वीकनेस कंफर्मेशन विल कम इफ निफ्टी स्पॉट ब्रीचेस द लोज ऑफ 1 जून, 1 जून का लो कितना था 9706, तो ये फिर वीकनेस का यहाँ पे ठप्पा लग जाएगा कि वीकनेस आ गई है। ये दो पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, एक तो इसके नीचे की क्लोजिंग आई तो पहला साइन होगा वीकनेस का,
लेकिन इसके नीचे दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग आएगी तभी ये पैटर्न टूट गया, वरना नहीं टूटा। ठीक है, दो कंसेक्यूटिव, और या फिर सेकेंड्स एक चीज़ आप देख लो, भले ही दो क्लोजिंग नहीं है लेकिन अगर इसको तोड़ देता है 9706 को तो मामला ख़त्म है। ठीक है, क्योंकि फिर ये गैप वाली कैंडल का लो ये है, तो इस गैप वाली कैंडल का लो कभी भी टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि इतने दिन गैप को बचाया है, तो अब ये गैप टूटना नहीं चाहिए, तभी तेजी आगे मान सकते हैं हम। और एक और बड़ा कारण है कि आप 200 EMA को देखो, निफ्टी जब सारे कारनामे कर दिया है तो अब 200 EMA को क्यों नहीं छुएगा? डेफिनेटली छुएगा, डेफिनेटली। उसके बाद ही मैं मंदी देख रहा हूँ, इसके यहाँ पे एक दो दिन नाच नाचेगा, एक या दो दिन 10-500 के आसपास इसको डांस करना ही पड़ेगा, जो बड़ी मंदी इसको आनी है बाद में। बड़ी मंदी का मैं समर्थन करता हूँ इसके बाद, लेकिन कब कर रहा हूँ? जब इसके पास 2-3 दिन डांस करेगा ये 10-500, 10-555, क्योंकि ये रोज़ नीचे आएगी। अभी जो 3-4 दिन मार्केट डाउन आया तो ये 10-600 से कहाँ आ गई, 10-555 पे आ गई। अब ये लगभग एक परफेक्ट फिगर बन रहा है, इसको किस करे निफ्टी, फिर नीचे आना स्टार्ट करे। कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, और कल सरप्राइज का डे है, चिंता मत करिए। अभी कितना भी डाउ जोन्स दिखाओ, मेरा मेरा एक्सपीरियंस मुझे समझा रहा है कल कुछ बड़ी सरप्राइज आने वाली है। अगर इस पैटर्न को आप देखो तो हर एक लो से अगला लो हायर है, इससे ये हायर है, इससे ये वाला हायर है, और अभी तक इससे ये वाला हायर है। तो अगर मार्केट को पूरी तरह से ख़राब होना, तो मार्केट को 9,000 का भाव तोड़ना पड़ता है, तब रियल में पूरी तरह आप बोल सकते हो कि बियर्स की गिरफ्त में आ गए। ये लो के नीचे आना पड़ता है, समझ में? तो कोई भी हालत में अभी भी मुझे कोई पैटर्न में बियरिशनेस नहीं दिख रही है। इतना डाउन SGX वगैरह है तो भी मैं अपने व्यू पे कायम हूँ, और मुझे कल के दिन हो सकता है, मेरा दिल बोलता है कल क्लोजिंग भी ग्रीन होगी, और अगर ग्रीन नहीं भी हुई तो 9889 के ऊपर ही क्लोज होगा, कितना भी नीचे खोल देगा। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है, तो ये बचाना चाहिए इसके नीचे की क्लोजिंग। दिन दिन के दौरान 9830 आ सकता है, 9800 भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 9706 नहीं टूटना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अभी आपको मार्केट ने गेम पूरा पलटी मार दिया है। जो मैं सोचा था कि कल जब ये मार्केट 10,000 कुछ पे बंद किया था, 10,000 कितने पे, तो मुझे लगा कि अब मार्केट शायद ही 9,900 आएगा। तो और कल मैंने इतना चार्ट देखा भी नहीं था, आप सबको पता है मैंने कल प्योरली एक एस्ट्रोलॉजिकल लग्न चार्ट पे व्यू दे दिया। और मैं आज आपको बताता हूँ दोस्तों, मार्केट कभी भी एस्ट्रोलॉजी पे नहीं चलता है, आप मानिए। मेरे दोस्त को इसके थ्रू एक मैसेज दे रहा हूँ, मेरे एक दोस्त है मैसूर में, बहुत ज़्यादा पागल है, उसके पीछे क्या नाम, महेंद्र शर्मा, एक यूएसए बेस्ड एस्ट्रोलॉजर है, इंडियन है, बहुत तगड़ी फीस चार्ज करता है, कुछ $2,000-3,000 की फीस चार्ज करता है एडवाइस देने की, निफ्टी वगैरह की। तो उनको लगता वो जो बोल देता वही होता, तो मैं उन्होंने मुझे चैलेंज किया था कि पहले ही अभी सीधा मार्केट 10,700 जगह, इस मंडे की बात है, और मैंने उनको मंडे को भी चैलेंज किया कि इसके बाप की ताकत नहीं है अभी, पहले 10,400 चला जाए विदाउट गोइंग टू 9,900, ये उनको मालूम है और मुझे मालूम है कि इसके पिताजी की भी ताकत नहीं है कि पहले 10,400, जबकि SGX उस समय क्या दिखा रहा था, 10,350, तब भी मैंने उनको चैलेंज किया, और मार्केट ने क्या किया, 10,328 का हाई मार के उसी दिन 120 का लो मार दिए। ठीक है, क्योंकि मार्केट में कोई भी है, क्योंकि अगर उसको 10,400 उसी दिन ले जाता तो वहां तेजी खत्म हो जाती दोस्तों। अब ये तेजी खत्म नहीं होने वाली, ये तेजी देखिए कहां तक जा रही है, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, मार्केट इसको आए बिना तो छोड़ेगा नहीं, मार्केट इतना हाई बने बिना छोड़ेगा नहीं। अब ये हाई कितना बनता है मैं आपको दिखा देता हूँ, मार्केट यहाँ हाई बनाएगा, आप मेरी बात को मान लेना। ठीक है, इस लेवल तक जाएगा, अब ये लेवल क्या आ रहा है मैं आपको देख के बता देता हूँ,
मार्केट ये वाला हाई बनेगा, इस हाई का नंबर आ रहा है 800 कुछ, तो मार्केट कहीं ना कहीं 800 तक भी जाने की ताकत रख रहा है। लेकिन सारी बातें कब फेल हो जाएगी, जब एक तो इसके नीचे क्लोजिंग दो बार आ जाएगी कंटिन्यू 9889 के नीचे, या फिर ये लेवल टूट जाएगा, बस सिंपल। तो इतनी बियरिशनेस में मैं एक आपको आशा की किरण दिखा रहा हूँ, विथ रीजनिंग दिखा रहा हूँ, विथ रीजन, क्योंकि ब्रेकआउट हमेशा ट्री टेस्ट होता है, तो उसके बाद की रैली। तो कल अगर ये बहुत अच्छा रहेगा, कल 9850 या 9830 का लो बना के ऊपर भागे। और कल हमारा इवेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक निफ्टी वाला, जो इसका कल हियरिंग है, तो सारे इंटरनेशनल क्लू में हवा में मत चलिए। और चलिए एक बार फिर से इन्वेस्टिंग देख लेते हैं क्या चल रहा है। कहाँ है भैया डाउ 1300, ये तो साला इसमें ऐसा लग रहा आग लग गई है। 1300 मतलब डाउ जोन्स पूरा अपना गेट खोल दिया है, तेजी वाला खत्म। डाउ जोन्स का चार्ट देखते हैं हम लोग, है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ क्यों हमारी निफ्टी को निफ्टी डाउ जोन्स को फॉलो नहीं करेगा, क्यों आपको वो भी समझाता हूँ। तो एनालिसिस करता तो आदमी को अच्छे से करना चाहिए, भले रॉन्ग निकल जाए दैट इज सेकेंडरी, लेकिन पलटी नहीं मारना चाहिए लोगों के सामने। मैंने ऐसा बोल दिया था, मैंने यहाँ लिख दिया था सर, ऐसा नहीं। इस तरह का लोग चीटर होते हैं, ठीक है। मैं आपको लास्ट वीक चैलेंज किया था ना 9900 पहले आएगा, आज का तो डाउ जोन्स ऐसे लग रहा है कोई सांप नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा मंथली चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। तो अगर आप देखो डाउ जोन्स ने क्या किया, इसका हाई था, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, 29500 का, और इसने बॉटम बना दिया। फरवरी में इसका हाई था 29500, मार्च में इसका लो बना 18086, यानी कि 11500 पॉइंट का करेक्शन आया डाउ जोन्स में, 11500 पॉइंट का करेक्शन आया। 18086 से इसने वापस कहाँ तक पहुंच गया, 27600, 11500 पॉइंट के करेक्शन को इसने 9600 पॉइंट रिकवर भी कर दिया। तो मैं इसको कहीं ना कहीं कैलकुलेट करता हूँ कितना परसेंट इसने रिकवर किया, एक मिनट आपके लिए थोड़ी सी स्टडी करके दिखाता हूँ इसका। मैं एग्जैक्ट निकाल, मैं फ्यूचर पर निकाल रहा हूँ, मैं स्पॉट नहीं निकाल रहा हूँ दोस्तों। फ्यूचर में इसका 29543 का हाई था आपको दिख रहा है, और फ्यूचर में इसका लो था 18086 -18086, तो 11457 पॉइंट गिरा, 11,747 पॉइंट गिरा, और इसने 11,457 गिरा ये, और इसने 27,621 का हाई बना दिया वापस। तो 27,621 माइनस 18,086 माइनस 9,535 डिवाइडेड बाई 83% अपनी रिकवरी दे दिया, जितनी फॉल हुई उसका। 9600 पॉइंट रिकवर कर दिया 11400 पॉइंट की फॉल में से, 83% की रिकवरी कर दी इसने, 83% की, ठीक है। तो ये आज अगर गिरता भी तो इतना घबराने की बात नहीं, ठीक है। इसने पूरी फॉल का टॉप से जो बॉटम बनाया उसका 83% रिकवर हो गया, ठीक है। अब हमारा इंडियन मार्केट बात करते हैं हम, 12430 माइनस 7511, ठीक है, 4919 पॉइंट गिरा, और हमने हाई बनाया 10328 माइनस 7511
2817 पॉइंट का रिकवरी हुआ, 4919 गिरा, इंटू 100 हमने 57% की रिकवर की, 57% की अभी तक रिकवरी की, अगर अभी हम हाई भी मान ले जो मंडे का बना, तो हमने 57% रिकवरी की अपनी टोटल फॉल का, है ना। और डाउ जोन्स ने 83% रिकवरी की, तो डाउ जोन्स अब गिरता भी है तो कोई बुरी बात नहीं है, हम हो सकता कल से फिर से बढ़ने लग जाएं, क्या ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों? स्टडी ऐसे नहीं करना चाहिए। डाउ जोन्स ने अपनी फॉल का 83% कवर किया, और इसके नेस्डेक ने तो नया ऑल टाइम हाई भी बना दिया कल, ठीक है। तो 83% कोई आदमी अगर वापस रिकवर कर लेता है इतनी बड़ी ड्रास्टिक फॉल का, 11,000 पॉइंट से ज़्यादा की फॉल को, तो उसके बाद अगर वो 1,000-1,200 पॉइंट गिरता भी है तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है अगर वो 1,300 पॉइंट आज गिर गया तो? इसने इतनी बड़ी फॉल को वापस रिकवर करके दिखा दिया, ये बड़ी बात नहीं है? तो हमारी इंडिया की कंट्री का तो अभी तक 57% ही कवर हुआ है, तो कहीं ना कहीं 61.8% तो कवर होना ही होगा। तो चलिए मैं निकाल के देता हूँ, 4919 × 61.8%, 3040 पॉइंट रिकवर होना चाहिए, 7511 प्लस 3040। मार्केट एक बार, कोई भी हालत में आप लोग लिख लो, मार्केट एक बार आप लोग लिख लो, इसको बॉन्ड पेपर पे लिख लो, मार्केट एक बार कोई भी हालत में 10555 जरूर आएगा, 551 10551 पहले जरूर आएगा, उसके पहले इसमें गिरावट नहीं आएगी, उसके पहले यह मंदी की गिरफ्त में नहीं आएगा, और उसके पहले मुझे नहीं लगता ये 9700 को तोड़ेगा, 9700 को तोड़ेगा, क्योंकि इसका गैप इसने क्रिएट किया 9706 पे। तो आप लोग नोट कर लो, 10551 जरूर जरूर आएगा, 10551 आप लोग लिख लो, 10551, और ये होता है 61.8% ऑफ द टोटल फॉल, 61.8%। और इसका आने का डबल प्रूफ क्या दे रहा है, इसकी 200 EMA भी 10555 पे खड़ी है। तो अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा तो इतने लाइक दबा देना जितने आपने दी दबाए, और अगर पसंद नहीं आया तो आराम से डिसलाइक दबाना, डाउ देखो और डाउ का ताऊ देखो, ठीक है। फिर भी मैं बुलिश हूँ, और मुझे यहाँ तक बियरिशनेस चाहिए थी बिफोर गोइंग टू 10500, जो मैंने पिछले वीक के वीडियो में क्लियर कट बोला था फ्राइडे को कि इसके बाप को पहले यहाँ आना पड़ेगा फिर बड़ी तेज़ी, तो मैंने सुनाया भी आपको, ठीक है। तो कल अगर 150 पॉइंट नीचे भी खुले, 100 पॉइंट, तो घबराने का नहीं, घबराना तब जब ये गिर जाए, ये टूट जाए 9706, या फिर इसके नीचे दो कंसेक्यूटिव क्लोज दे दे। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।